नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष। दोस्तों, यदि आपने हाल ही में बिहार की किसी भी ट्रेन की यात्रा की होगी तो आपने एक चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि बिहार की जो अधिकतर ट्रेनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हैं, चाहे हम बात करें राजधानी की, संपूर्ण क्रांति की या फिर नॉर्मल ट्रेनों की। और सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है वह है प्रीमियम ट्रेनों की, यानी कि राजधानी यानी कि पटना राजधानी तकरीबन 20 से 24 घंटा लेट रोज चल रही है। इसके अलावा उत्तर बिहार की भी कई सारी ट्रेनें लेट हैं, लेकिन जो बिहार संपर्क क्रांति है वो लेट नहीं होती। अब दोस्तों, इन्हीं सब एक्शन के बाद रेलवे ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया है और बिहार की 19 ट्रेनों का जो टाइम है वो बदल दिया गया है। दोस्तों, क्यों बदला गया है यहाँ पे टाइम, बिहार की कौन कौन सी ट्रेनें कब कब चलेंगी, आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे ब्रिटेल के साथ। दोस्तों से प्रोड्यूस करूँगा मेरा आपसे आग्रह, यदि भी कल सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और क्वेश्चन का आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे रेलवे ने टाइम क्यों बदला है, तो यहाँ पे टाइम बदलने के पीछे कारण है छपरा बलिया रेल लाइन पे दोहरीकरण हेतु प्री एनआरएनआई का वर्क। इसी कारण से बिहार के करीब 19 ट्रेनों का टाइम बदला गया है। यदि हम यहाँ पे सबसे पहली ट्रेन की बात करें तो यह है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12562। ये ट्रेन 14 जनवरी यानी कि आज के दिन लगभग 5 घंटा लेट चलेगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा ट्रेन संख्या 12562 यानी कि यही नई दिल्ली जयनगर एक्सप्रेस, ये ट्रेन कल के दिन भी 70 मिनट लेट चलने वाली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा सद्भावना एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14018, ये ट्रेन कल के दिन आनंद विहार टर्मिनल से लगभग 1 घंटा लेट चलने वाली है। दोस्तों, इसके साथ साथ जयनगर हम सफर, जिसका नंबर है 04652, ये ट्रेन कल के दिन यानी कि 15 जनवरी को लगभग 70 मिनट लेट चलेगी अमृतसर रेलवे स्टेशन से। साबरमती एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 19165, ये ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से कल के दिन चलने वाली है तकरीबन 4 घंटा लेट। इसी के साथ साथ सद्भावना एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14008, आनंद विहार रक्सौल, ये ट्रेन 16 तारीख को चलने वाली है तकरीबन 4 घंटा लेट। दोस्तों, जब यहाँ पे अगली ट्रेन की बात करें तो यह है बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, जो कि बरौनी से 15 जनवरी को 90 मिनट लेट चलेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 14650 अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस, ये ट्रेन आज के दिन लगभग 40 मिनट लेट चलने वाली है अमृतसर रेलवे स्टेशन से। पवन एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 11061, ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 15 जनवरी को लगभग 3 घंटा लेट चलेगी। इसी के साथ साथ 16 जनवरी को ये ट्रेन जयनगर से लगभग आधा घंटा लेट खुलने वाली है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उतना ही ब्लैक फिक्स वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।